कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पांड्या स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, अपकमिंग एपिसोड के बारे में। जी हाँ, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि धारा जो है वो हॉस्पिटल में है। एक्चुअली शाइनी ने अपनी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं सो आपने देखा होगा, या फिर नहीं देखा होगा तो देखिएगा जरूर। उन्होंने अपनी स्टोरी में एक स्टोरी डाली है जिसमें कि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उनको निडल लगा हुआ है। सो क्या ये ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन किस टाइप के वीडियो हो सकता है, इसके बारे में हमें अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। बट अगर ये ऑन स्क्रीन हुआ तो इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी में भी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलने वाला होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फैमिली वाले मिलकर रावी को वापस लाने के लिए कुछ प्लानिंग किए हो, या फिर धरा को वाकई में कहीं से चोट वोट लग गई हो, या कहीं उसकी प्रेगनेंसी का ट्रैक तो नहीं आने वाला है। सो ऐसे कुछ अपडेट आने वाली है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है एपिसोड में, जिससे कि रावी घर वापस आ जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो आप लोग कितने एक्साइटेड है आगे के एपिसोड के लिए मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ये वीडियो ऑन स्क्रीन हो सकती है या फिर ऑफ स्क्रीन, क्योंकि उसमें जो शाइनी है वो काफी ज्यादा खुश है उस वीडियो में। सो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को चोट लगी हो तो वो इतना खुश कैसे हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि ये हमें ऑन स्क्रीन देखने को ही मिलने वाला है। और इसके बारे में मुझे एक कमेंट भी किया जानवी जी ने। सो जानवी, आपको बहुत 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 थैंक यू मुझे कमेंट करने के लिए। आप लोग इतने अपडेटेड रहते हैं और मुझे भी अपडेट करते रहते हैं, उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और शाइनी की स्टोरी में चेक कीजिए। और आपको क्या लगता है कि ये ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन? मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑन स्क्रीन ही होगा, क्योंकि वो इतनी खुश है। और खुशी, क्योंकि अगर चोट लगी होती ऐसा कुछ रियल में होता, क्योंकि कल ही तो अवार्ड का फंक्शन था और उसमें वो काफी ठीक थी। सो मुझे नहीं लगता इस टाइप का कुछ है। मुझे लग रहा है कि ऑन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हमें अच्छा दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से रावी, शायद रावी का कनेक्शन और रावी को घर लाने का कनेक्शन हो, इस टाइप का कोई ट्रैक में भी आ सकता है, या धरा से रिलेटेड कोई प्रेगनेंसी का ट्रैक भी, मतलब धरा की प्रेगनेंसी का ट्रैक भी आ सकता है। सो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सभी लोग जल्दी जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए धरा जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गई है, या फिर उसके ऊपर रावी की बातों का कुछ असर हो गया हो, उसे लग रहा होगी कि हो कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या हो सकता है? तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, या फिर आप ही लोगों में से किसी के प्यारे से कमेंट के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर, मतलब आप लोग जो इतना मुझे प्यार देते हैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।